बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको गले वाले कपड़े की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी, कढ़ाई वाले गले की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। इसकी इस साइड पे कढ़ाई हुई है, यहाँ 4.5 इंच तक। अब यहाँ पे मैं एक बड़ा सा प्लेट डालूंगी और इसकी फ्रॉक तैयार करूंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक तैयार करूंगी। ये मैंने बैक और फ्रंट साइड को ऊपर नीचे रख लिया है। नीचे मैंने ये बैक साइड रखी है, इसे डबल फोल्ड करते हुए मैंने ऊपर नीचे बैक, नीचे और ऊपर फ्रंट साइड रख ली है। इसे डबल फोल्ड करते हुए मैंने नीचे बैक साइड रखी है और ऊपर फ्रंट साइड रख दी है। अब मैं इसका नाप लूंगी। इसकी चौड़ाई 18 इंच है, 11 इंच मैंने इसकी कंधे की चौड़ाई रख के कटाई करनी है और जो बाकी बचेगा उसकी प्लेट, उसका प्लेट्स बनाना है। 41 इंच मैं इसकी लंबाई रखूंगी, आप अपनी फ्रॉक के मुताबिक रखें। लंबाई का नाप लेते हुए ऊपर मैं निशान लगा लूंगी। और यहाँ पे सीधी लाइन ड्रा कर लूंगी और 4.5 इंच पे ये निशान लगाऊंगी, क्योंकि गला दरमियान में आ रहा है। 4.5 इंच से थोड़ा सा मैं ज्यादा निशान इस कढ़ाई के साथ साथ मैं निशान लगा लूंगी, ये वाला, क्योंकि मैंने यहाँ पे तकरीबन 1/2 इंच की पट्टी अटैच करनी है। 1/2 इंच से हो सकता है ज्यादा हो। और दरमियान से मैं 6 इंच जो है 6 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से, और 6 इंच के भी दरमियान में निशान लगाऊंगी 3 इंच पे। इस साइड पे भी पट्टी अटैच करूंगी और इस साइड पे भी पट्टी अटैच करूंगी, और यहाँ पे इस साइड पे बटन अटैच करूंगी, इस साइड पे उस पट्टी के नीचे हुक अटैच करूंगी। अब ये जो मैंने निशान लगाया है, इस यहाँ से एंची टेप को फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखूंगी और 11 इंच पे निशान लगाऊंगी और कंधे की चौड़ाई का नाप लूंगी। यहाँ से 8 इंच मैंने तीरे की चौड़ाई रखनी है, जो मैंने उस साइड पे 4 इंच 4.25 इंच नाप लिया था वो मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया और तीरे का नाप ले लिया इस तरह से। ये निशान लगाऊंगी मैं 8 इंच पे, और गहराई भी 8 इंच रखूंगी कंधे की। और यहाँ पे ये वाली जो है साथ साथ लाइन भी मैं ड्रॉ कर दूंगी इस तरह से 6 इंच वाली, और दरमियान वाली 3 इंच वाली भी। और यहां से मैंने ऊपर से मैंने कंधे का नाप लिया था 8 इंच, नीचे से मैं रखूंगी 7.5 इंच और इस तरह से लाइन ड्रॉ करूंगी। और फ्रंट साइड की नीचे से मैं चौड़ाई रखूंगी 7.5 इंच कंधे की। इसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है कमीज की कटाई की, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं इस तरह से फ्रंट और बैक साइड की कंधे की मैंने कटाई की है। ये कटाई मैं करूंगी बैक साइड के कंधे की, ये वाली कटाई करूंगी मैं फ्रंट साइड के कंधे की। पहले मैं बैक साइड के कंधे की कटाई कर लूंगी, उसके बाद मैं फ्रंट साइड के कंधे की कटाई करूंगी। और नीचे जो ये
पीस निकला हुआ है, इसकी मैं इस तरह से कटाई कर लूंगी। और इस निशान को मैं 13 इंच तक लेके जाऊंगी। जो मैंने ये वाला प्लेट्स डालना है, ये वाला, ये जो मैंने प्लेट डालना है, इसका निशान मैं 13 इंच तक लगाऊंगी। तकरीबन 14 इंच तक ही लगा लूंगी, क्योंकि मैंने ऊपर से सिलाई में कुछ जाएगा, कुछ कढ़ाई कटाई में जाएगा कपड़ा, थोड़ी कृषि जो कटाई करते हैं हम, तो 13 इंच ही रह जाएगा। इसी तरह से दरमियान में भी नाप लेते हुए 3 इंच का ये वाली लेन भी सीधी ड्रा कर लूंगी इस तरह से, और यहाँ पे भी 3 इंच का नाप लेते हुए ये वाली भी इस तरह से, ये मैंने तीनों लेन ड्रा कर ली है। अब मैं बैक साइड के कंधे की पहले कटाई करूंगी, उसके बाद मैं फ्रंट साइड के कंधे की कटाई करूंगी। ऊपर से जो इजाफी पीस है साथ ही मैं कटाई कर लूंगी। अब मैं यहां से पूरे की कटाई कर लूंगी, हल्की सी तिरछी इस तरह से। ये जो साइड से बॉर्डर निकलता है, इसकी साइडों में ये पीस है, ये वाले मैं चकोर, ये वाले पीस मैं निकाल लूंगी इस साइड से भी और इस साइड से भी। एक साइड से ही निकालूंगी क्योंकि एक साइड पे ये बिल्कुल सफेद साइड नहीं है, ये सफेद साइड है, इस साइड से मैं पीस निकालूंगी। ये जो इस पीस की चौड़ाई है, इस ये जो मैंने पट्टी निकाल ली है, इसकी चौड़ाई है 1 इंच से थोड़ी सी कम है। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा लेते हुए साथ कटाई करूंगी इसकी, क्योंकि मैंने ये वाला कपड़ा जो है फोल्ड करना है इस तरह से, दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर अटैच करनी है। पहले ये वाली पट्टी मैं निकाल लेती हूँ। चौदह इंच पे ही बैक साइड पे भी ये वाले निशान लगाऊंगी। ये मैंने पट्टियां कटाई करने के बाद इसके जो अजाफी पीस थे वो नीचे दबा के इस तरीके से बिल्कुल इसे सेट कर लिया इस तरह से। अब मैं यहाँ पे इस तरह से अटैच करूंगी इसे, पहले इस डोरी की जो है हुक बना के इसके ऊपर अटैच करूंगी, उसके बाद इस फ्रॉक के साथ इसे अटैच करूंगी। इसी तरह से ये वाली पट्टी इस साइड पे अटैच करूंगी। इसकी टोटल लेंथ मैंने रखी है 15 इंच, पहले मैंने 14 इंच रखी थी, 14 इंच मुझे कम लग रही थी। अब मैंने इसकी टोटल लंबाई जो लेंथ ड्रा की है, इसकी टोटल लंबाई जो है मैंने रख ली है 15 इंच। अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। जिस तरह से मैंने ये पट्टियाँ अटैच इस साइड पे करनी है, उसी तरह से मैंने दूसरी साइड पे भी ये वाली पट्टियाँ अटैच करनी है। ये इसी तरह से इस साइड पे भी, गले की इस साइड पे भी लेन ड्रा कर लूंगी।
से मैं डोरी तैयार करूंगी। ये मैंने तिरछा पीस कटाई किया लचक वाला इस तरह से। ये एक इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। इस तरह से इसे फोल्ड करूंगी और इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये बहुत ही बारीक सी बहुत प्यारी सी डोरी बन गई है। 2-2 इंच की मैंने डोरी कटाई कर ली थी ये वाली। अब मैं इस पीस को इस तरह से रखूंगी और यहां पे डोरी अटैच करूंगी। इस साइड पे मैंने थोड़ी सी कर ली है। 1 इंच ऊपर से मैंने कपड़ा छोड़ के यहाँ पे डोरी अटैच किया। उसके बाद 1 इंच ही यहाँ से नाप लेने के बाद यहाँ पे अटैच की है। इसी तरह से मैं आगे भी डोरी अटैच कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे 1 इंच पे फिर से निशान लगाऊंगी इस डोरी के साथ रखते हुए एंची टेप को इस तरह से। यहाँ पे निशान लगा लूँगी। अब इस निशान के साथ रखते हुए डोरी को अटैच करूंगी इस तरह से। अब मैं इसे इस तरह से रखते हुए इस्त्री से बिठा लूंगी और उसके बाद फ्रॉक के ऊपर अटैच करूंगी इस तरह से। और मैं इस पट्टी को फ्रॉक के ऊपर अटैच करूंगी। इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूंगी। Thank you.
ये इस तरह से लुक आएगी इसकी। अब मैं इस साइड पे भी पट्टी अटैच करूंगी। इस तरह से और ऐसे रख के इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से मैंने इस साइड पे पट्टियां अटैच की हैं, इसी तरह से मैं इस साइड पे भी पट्टियां अटैच कर लूंगी, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। दोनों साइड पे पट्टियां मैंने अटैच कर दी हैं। अब मैं पहले गला तैयार करूंगी, फिर उसके बाद यहाँ पे बटन अटैच करूंगी। गले पे मैंने बुकरम अटैच कर दी है कुछ इस तरह से, क्योंकि गला इस तरह का था कि अगर मैं गले की कटाई करती तो इस तरह से मैं डिजाइनिंग ना बना सकती, इसलिए मैंने पहले बुकरम अटैच किया और अब इसके नीचे कपड़ा रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। जिस डिजाइनिंग से ये कढ़ाई हुई है, जिस डिजाइनिंग से ये कढ़ाई हुई है, इसी तरह से मैं इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा लूँगी, इसके साथ साथ सिलाई लगाऊंगी। ये वाला पीस इसके नीचे रखूंगी और ऊपर इस तरह से गला रखते हुए सिलाई लगाऊंगी इसके ऊपर। बुकरम में से हल्का हल्का ये नज़र आ रहा है, इसके साथ साथ मैं सिलाई लगा लूँगी। गले की चौड़ाई मैंने 6 इंच रखी है, 3 इंच नापने के बाद इस साइड पे भी मैंने निशान लगा दिया और इस साइड से और इस साइड पे भी निशान लगा दिया। अब मैं इस निशान के ऊपर रखते हुए सिलाई लगाऊंगी गले के ऊपर ऊपर। अगर बुकरम के नीचे से ये कपड़ा नज़र ना आए तो पहले आप इस तरह से सिलाई लगा लें, खाली मशीन चला लें इसके ऊपर। ये ऊपर ऊपर इसके निशान बन गए हैं। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर गला अटैच करें, गले की सिलाई लगा लें। सिलाई मैंने लगा ली है, अब मैं इसकी कटाई कर लूंगी। मैं इसे सीधा कर लूंगी। और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से सीधा करते हुए इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। गले के किनारे किनारे पे सिलाई मैंने लगा दी है और बटन भी मैंने अटैच कर दिए हैं, इस साइड वाले भी। इस साइड वाले बटन अटैच करने के बाद मैंने इसे सिलाई लगा के यहाँ पे और यहाँ पे इसे बंद कर दिया और नीचे 4 बटन जो है मैंने उनको खुला ही रहने दिया और इसके ऊपर भी मैंने ये सिलाई लगा दी है। इसे ऊपर से भी मैंने बिल्कुल जक दिया। इस तरह से मैं बैक साइड पर बैक साइड से दिखाती हूँ आपको, इस तरह से मैंने ये सिलाइयाँ लगाई हैं। नीचे वाले बटन जो है ये खुलेंगे तो यहाँ से ओपन होगी, यहाँ से बटन खोल के आप इसे खुला भी कर सकते हैं। इस साइड के बटन भी मैं इसी तरह से बंद करके इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लूँगी और दरमियान में मैंने ये निशान लगा दिया है। इस तरह से इसे मैं बंद करके यहाँ पे और इस साइड को इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी।
सिलाई लगाने के बाद ये सारे बटन बंद करके जिस तरह से मैंने इस साइड पे सिलाइयाँ लगाई हैं, इसी तरह से मैं इस साइड पे भी सिलाइयाँ लगा लूँगी और चार बटन जो है मैं नीचे से छोड़ दूँगी जिस तरह से मैंने ये साइड छोड़ी है। ये सिंपल सा काम है, बाकी का इसकी फाइनल लुक मैं तैयार करने के बाद आपको दिखा दूँगी। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। बाजू बिल्कुल सिंपल, इसलिए मैंने इसकी वीडियो नहीं दिखाई। पहले भी मैंने एक वीडियो इन बाजुओं की डाली हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फ्रॉक की डिजाइनिंग आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा। ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड पे मैंने इसी तरह से सिलाई लगा के प्लेट्स डाल लिए थे, 15-15 इंच का ही मैंने बैक साइड पे भी प्लेट्स डाला है। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।